A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक snake charmer था सपेरा, वह flute बजा रहा था. Flute means यहाँ पे बीन होता है. To a snake which coiled itself in a basket, और एक snake जो था वह coiled, coil की तरह, ठीक है, basket में पड़ा हुआ था, टोकरी में. Its head raised in a graceful bend. इस स्नेक का जो सिर था वह ग्रेसफुल, शानदार तरीके से बेंड था, जैसे कि लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, हंस की गर्दन की तरह. वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और जो बीन की म्यूजिक थी वह इसके इनविजिबल ईयर्स में पड़ रही थी. ईयर्स, इनविजिबल ईयर्स का मतलब ऐसा माना जाता है कि स्नेक के ईयर्स नहीं होते, कान नहीं होते, हाँ कान नहीं होते. लाइक द जेंटल रिपरिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, यानी उसके कानों में जैसे लग रहा था कि एक झरने की तरह यह म्यूजिक जा रही हो. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा था वह स्नेक चार्मर के पास गया, सपेरे के पास. बट नोविंग हिज पेरेंट हैड फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स रिफ्यूज्ड, लेकिन वो बच्चा जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वे मना कर देंगे टू हियर सच ए कोरस म्यूजिक, कि इतनी बेकार म्यूजिक न सुनने के लिए. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो स्नेक चार्मर क्या कर रहा था, प्ले कर रहा था, ही प्रोसीड फर्दर, इसलिए बच्चा आगे बढ़ गया. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, आगे बढ़ा तो उसे एक राउंड अबाउट मिला. राउंड अबाउट का मतलब चक्कर घिन्नी. इन फुल स्विंग, तेजी से मूव कर रहा था. मेन विमेन एंड चिल्ड्रेन कैरिड अवे इन ए व्हीलिंग मोशन, वे तेज गति से क्या कर रहे थे, घूम रहे थे. श्रिक्ड, चीख रहे थे. क्राइड, चिल्ला रहे थे. विथ डिजी लाफ्टर, और हल्की हंसी भी थी, हालांकि वे डर रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली, बच्चे ने तीव्रता से उनको देखा. एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, अब इस बार बच्चे ने बोल्ड रिक्वेस्ट किया, साहस भरा रिक्वेस्ट किया. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर, प्लीज मदर, यानी अपने पेरेंट्स से उसने बोल्ड रिक्वेस्ट किया कि वह इस बार तो राउंड अबाउट पे क्या करेगा, चढ़ेगा ही. देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन बच्चे को कोई रिप्लाई नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह पीछे मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए. दे वर नॉट देयर, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे. अहेड ऑफ हिम, यानी उसके सामने नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी तरफ देखा. दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उसके पेरेंट्स का कहीं भी अता पता नहीं था. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे थ्रोट से एक चीखने की आवाज़ निकली. एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसने अपने बॉडी को जर्क किया, झटका दिया. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वह वहाँ भागा जहाँ वह खड़ा था. क्राइंग इन रियल फियर, और वह तेज आवाज में डर के चीख रहा था. मदर, फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आँख से आंसू निकल रहे थे. अक्सर जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से खो जाते हैं, तो सेम फीलिंग उस बच्चे की भी थी. नो हॉट एंड फायरस टीयर्स वर देयर, हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्ज विथ फियर, उसका जो चमकता हुआ चेहरा था वह डर से ग्रसित था. पैनिक स्ट्राइक इन, फियर ने उसे स्ट्राइक कर लिया था. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले तो वह एक तरफ भागा. देन टू अदर, फिर सेकेंड साइड गया. हाइथर एंड थाइथर, वह राउंड राउंड मूव करता रहा. इन ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ. नोविंग नॉट वेयर टू गो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो कहाँ जाए. मदर, फादर, ही वेल्ड, वह चीख रहा था. हिज येल्लो टर्बन केम अनटाइट, उसकी जो पीली पगड़ी थी वह अनटाइट हो गई थी, खुल गई थी. एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े जो थे वे स्वेट से, डस्ट से मडी हो गए थे. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, इधर उधर दौड़ने के बाद, ही स्टूड डिफीटेड, वह थक गया. हिज क्राइज सप्रेस्ड इन टू सॉब्स, अभी जब वह चीख रहा था तो उसकी जो चीख थी सप्रेस्ड, चेंज इन टू सॉब्स, सिसकियों में बदल गई. एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे, ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, हरी घासों पर वह देख सकता था. थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी मीन्स उसकी आँखें जो थी वह
आंसुओं से धूमिल हो गई थी। मेन एंड वुमेन टॉकिंग, वह देख रहा था कि आदमी और बात कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येल्लो क्लॉथ्स, उनके बीच वह उन ब्राइट येल्लो क्लॉथ्स को ढूंढने की कोशिश की जो उसके पेरेंट्स पहने हुए थे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके फादर मदर का कोई साइन नहीं था अमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग बैठे हुए थे हरी घासों पर वे केवल हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उनके बीच बच्चे को अपने पेरेंट्स का कोई साइन नहीं मिला। ही रैन क्विकली अगेन, वह फिर दौड़ा, दिस टाइम टू ए श्राइन, इस बार वह एक श्राइन पे आ गया था। श्राइन का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे हैवी क्राउड थी, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे लोग भीड़ लगाए हुए थे। एवरी लिटिल इंचेज ऑफ स्पेस देयर वॉज कॉन्गेस्टेड विथ मेन, थोड़ी थोड़ी इंचेस के स्पेस थे, लोग कॉन्गेस्टेड थे, जॉल्टेड कर रहे थे। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वह लोगों के पैरों के नीचे से होते हुए भागा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, अभी भी उसकी सिक्सकियाँ, लिंगरिंग मीन्स स्टे, बनी हुई थी। मदर फादर नियर द इंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के इंट्रेंस के पास। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ और भी घनी हो गई। मेन जॉस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। हैवी मेन, भारी भरकम व्यक्ति थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, उनकी आंखें जैसे मर्डरर्स की तरह थी। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, उनके जो शोल्डर्स थे वे हैफ्टी मीन्स स्ट्रांग थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट वे बिटवीन देयर फीट, बेचारा लड़का उनके पैरों के बीच से स्ट्रगल करते हुए निकला। बट नॉक टू एंड फ्रो, लेकिन उसे नॉक कर दिया गया बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन लोगों के ब्रूटल मूवमेंट से, यानी बहुत ही निर्दयतापूर्वक मूवमेंट से। जैसा आप अगर मंदिर में गए होंगे, वहाँ पे भारी भीड़ जब देखे होंगे तो पता चल सकता है। ही माइट हैव बिन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, उसे पैरों के नीचे ट्रैम्पल्ड कर दिया गया होता, क्रश्ड कर दिया गया होता, हैड ही नॉट श्रिक्ड, अगर वह चीखा नहीं होता एट द हाइएस्ट पिच ऑफ वॉइस, तेज आवाज में। फादर मदर ए मैन इन द सरगाइंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, उसी भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ही कठिनाई से झुक करके, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उस बच्चे को अपने आर्म्स में क्या किया, उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, दैट स्ट्रेंजर आस्क्ड द चाइल्ड, उस स्ट्रेंजर ने जिसने बच्चे को उठाया उसने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। हूज बेबी आर यू, तुम किसके बेबी हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, बच्चे ने तब पूछा जब वह मास मीन्स क्राउड से क्या हुआ, स्टीयर्ड क्लियर, बाहर आया। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और तेजी से रो रहा था। नाउ एंड ओनली क्राइड, और केवल चीख रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल माँ चाहिए, मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद, सूद मीन्स रिलैक्स, उस आदमी ने उसे थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहा बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे राउंड अबाउट के पास ले जा करके, और कहा विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, कि तुम घुड़सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, उसने बहुत ही जेंटली उससे पूछा जब वो रिंग के पास पहुंचा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ थाउजेंड श्रील, लेकिन बच्चे के गले से हजारों चीख निकले, सॉप्स सिसकियां निकली। एंड ही ओनली शाउटेड, और वह केवल यही चीख रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता और पिता चाहिए। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस, अब वह स्ट्रेंजर उस बच्चे को लेकर के उस स्थान की तरफ, हीडेड मीन्स आगे बढ़ा, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू स्वेइंग कोबरा, जहाँ पे स्नेक चार्मर जो था वह बीन बजा रहा था और कोबरा को डांस करा रहा था। लिसन टू दैट नाइट्स म्यूजिक, उस आदमी ने बच्चे से कहा कि नाइस म्यूजिक को क्या करो, सुनो। ही प्लीडेड, स्ट्रेंजर ने उसे प्लीड करते हुए कहा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान को अपने फिंगर से क्या किया, बंद कर लिया। एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दुगनी आवाज में चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वह आदमी बच्चे को बलून सेलर के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, यह सोच करके कि रेनबो कलर्स या ब्राइट कलर्स की बलून्स जो है वह उसके अटेंशन को उधर उसके पेरेंट्स की तरफ से डिस्ट्रैच करेगी।
एंड क्वाइटेन हिम, क्वाइटेन का मतलब सूद या रिलैक्स हिम, और थोड़ी उसे क्वाइट करेगी, शांत करेगी। स्ट्रेंजर ने कहा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून, तुम्हें रेनबो कलर की बलून चाहिए, तुम लेना पसंद करोगे? ही परसिसिवली आस्ट, उसने थोड़ा प्रेशराइज करके पूछा। द चाइल्ड टर्नड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, बच्चे ने अपनी आंखें फ्लाइंग बलून की तरफ से टर्न कर ली, एंड जस्ट सॉब्ड, और सिसकते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चे की केवल एक ही डिज़ायर है अब, केवल उसके पेरेंट्स को पाने की, न कि कोई और डिज़ायर है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वह व्यक्ति अभी बच्चे को हैप्पी करना चाहता था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, वह उसे उस गेट पे ले गया जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, उसने बच्चे से कहा, क्या तुम उन नाइस फ्लावर को स्मेल करोगे? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम गार्लैंड, गुलमोहर की गार्लैंड लोगे नेक में पहनने के लिए, गर्दन में पहनने के? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन बच्चे ने बास्केट की तरफ से नोज अपनी एक तरफ कर ली। एंड रिट्रिएटेड हिज सॉप, और अपनी सिसकियों को क्या किया, थोड़ा सा रोकते हुए फिर चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सलेट चार्ज्ड बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, स्वीट यानी उस बच्चे के डिसकॉन्सलेट चार्ज को, यानी उसके जो दुखी मन थे बच्चे का, उसने उसको खुश करने के लिए सोचा कि उसे भूख लगी हो, उसे वह मिठाई देगा। तो द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वह आदमी उसे स्वीट शॉप के काउंटर के पास ले गया और बोला, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी स्वीट पसंद करोगे? ही आस्ट, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने अपनी फेस को स्वीट शॉप की तरफ से टर्न कर लिया। एंड ओनली सॉब्ड, और केवल सिसकते हुए बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे केवल मेरे माता पिता चाहिए। तो यहाँ पे मुलकराज आनंद ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि फॉर अ चाइल्ड, बच्चे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, दैट इज़ नॉट द स्वीट बलून्स टॉयज, ठीक है, बट द चाइल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, देयर पेरेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड फॉर द चाइल्ड, उनके सिवा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर समझ में आया हो, थैंक यू।